देख रहे हैं, अब देखिए देखिए स्नैक्स से भर बंटी YouTube चैनल जाके सब्सक्राइब करो। बंटी भैया गाड़ी चला रहे हैं और हमारे इस मुहिम का हिस्सा है। एक अजगर सांप नेट में फंस चुका है मछली का जाल में, उसे बचाना है और जामदही से कॉल आ चुका है। देखा जाए आज कौन सा सांप रेस्क्यू होता है। फिर से दोहरा रहे हैं स्नैक्स से भर बंटी यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब करो और बंटी भैया का वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। साथियों देख ही रहे हैं गांव का दीदी लोग दादा लोग सब आया है सांप देखने के लिए। दादा नमस्कार। नमस्कार। देख लीजिए सब हमारा घर का लोग है, कोई बहन है, कोई बोमा है, कोई दीदी है, कुछ बेटा लोग है, कुछ बेटी लोग है, सब सांप देखने के लिए आया है। और कहाँ अंश कहाँ, अभी अचानक हमको एक भेंट हुआ था। अच्छा अंश यहाँ पर है, इधर आ जाओ। कहाँ पर सांप देखा है? अच्छा यहाँ पर देखिए साथियों बहुत ही बड़ा अजगर सांप फंसा हुआ है नेट में। आप लोग आइए मत, हम लोग वहाँ से छुड़ा करके फिर आप लोग को दिखलाएंगे, है ठीक है? हाँ आइए। साथियों एक बेजुबान है, बेजुबानों को बचाने ही मुख्य उद्देश्य है। ये बेजुबान तो बोल नहीं सकता है, लेकिन इस घर का जो मालिक है उसको हम सलाम करते हैं। यू लोग हमको लोग जैसा आदमी को फोन किया और फोन के माध्यम से ही आए हैं। थोड़ा लोगों को दिखलाइए, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं है ना, और देखना चाहते हैं सांप। इस सांप को हम लोग पंचेत पहाड़ में छोड़ देंगे। भैया वो दीजिएगा, ये वाला ये। देख लीजिए लोग सोच रहा है कि मर गया है, लेकिन मरा नहीं है सांप, ये तुरंत झपट लेगा। थोड़ा हमारा टोपी दीजिए, दिखलाइए थोड़ा, बैठ जाइए आप, देखिए कितना जोर झपटता है। देखिए देख रहे हैं, पेशाब भी कर रहा है, थोड़ा दिखलाइए और एक बार। हेलो की बोल छे? चलिए ठीक है बाहर। अरे बाप रे बाप, ये जान ले लेगा। देख रहे हैं देखिए अब देखिए हर सेकंड। रुकिए बंटी भैया, रुक जाइए। इसको पकड़िए, इसको चश्मा, और जाकर के नेट को काटिए। बैठिए आराम से बैठिए। नहीं छूटेगा। इधर आ जाओ, देख रहे हैं, देखिए अब काटिए। लात से दाबिए एक तरफ, नेट को काटिए। अब हमको ब्लेड आप दे दीजिए, इसको लंबा कर दीजिए आप। और ब्लेड होगा, इधर खत्म हो गया, और एक गादा हम ब्लेड दिए थे आप लोग को। साथियों बेजुबानों को बचाइए,
ये बेजुबान बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि कितना तकलीफ में होगा बेचारा। रात को फंस गया होगा कुत्ता, कुत्ता सब भूख रहा था इसी चलते हम लोग को पता चला। अच्छा जंगली अजगर है, ये तुरंत काट लेगा। हाँ यहाँ पकड़िए दादा, चलो चलो बाहर 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 ले चले बाहर पांडे भी आई था देखिए चले लोग कहता है कि अजगर जो है ना काटता नहीं है, देखिएगा काटने से एक वक्त आइए मानसून उतलेगा आपका। सामने सुनो देख रहे हैं कितना जोर इसका है, देखिए देख रहे हैं, अब देखिए अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा बड़ा दांत है, देखिए देखिए कैसे गाज चढ़ जाएगा, देखिए चढ़ने दीजिए चढ़ने दीजिए, अभी तो आप लोगों के पास बहुत बड़ा सीढ़ी हम देखा है, बहुत सुंदर अद्भुत, देख लीजिए सांप किस तरह गाछ में चढ़ता है। अजगर सांप, सोचिए ये जहरीला नहीं है लेकिन काटने से ये मांसो नो चलेगा, मांसो नो चलेगा, इसमें जहर होता नहीं है। लीजिए भाई आप लोग अपना अजगर रख लीजिए और हम लोगों को घर जाने दीजिए। सांप काटने से हॉस्पिटल जाना है, कहाँ जाना है हॉस्पिटल। अभी गुमला से फोन आया, एक आदिवासी लड़की को सांप काट लिया, बोला क्या करें हम, बोले तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, तो अभी पहले से बेहतर है, अभी बोलने उलने सक रहा हूँ, बच्ची 17 साल 18 साल का बेटी है। तो सांप का डसने से या आकाशीय बिजली से किसी भी आदमी का भारत में अगर मौत हो जाए, डेथ कर जाए,
पोस्टमार्टम जरूर कराइए, पोस्टमार्टम कराने से गवर्नमेंट 6 लाख टाका दे, বুঝবেন কথাটা। দুই জিনিসে টাকাটা পাওয়া যায়, একটা হচ্ছে বিদ্যুৎ গর্জনে যদি আমি মরে গেলাম, ইয়া সাপের কামড়ে যদি আমি মরে গেলাম, তো আমার ঘরওয়ালা আমার বডিটাকে কি করবে, পোস্টমার্টম করিয়ে দিবে। আর তারপরে এই মগমা পুল হ্যাঁ না, ইহা যাহা দেখবে করতে হ্যাঁ ক্যা হ্যাঁ মুক্তিধাম, পোস্টমার্টম জরুর করাইয়ে। পোস্টমার্টম করানে সে ক্যা হুয়া, কিসি গরিব কো সাহারা মিল জায়েগা, कहीं कहीं 6 लाख कहीं कहीं 4 लाख रुपया देने का प्रावधान है। और हम चाहते हैं कि मेरा बड़ा भाई थोड़ा साथ भरे, पकड़िए 500 रुपया दिए थे याद है रात को, जो वहाँ पर खरीद करे बेचारा हम लोग का इनाम है, 500 रुपया दिया है रात को, ये वाला रखिए आप लोग मिठाई खाइएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। पकड़िए पकड़िए, सांप बचान परिवेश बेचे थक में, इसको थोड़ा बेटा बेटी को छूना है कलम कॉपी किताब, और जितना भी हमारा वीडियो देख रहे हैं लोग से हमारा रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। 24 घंटा में क्या करना है, 2 घंटा मोबाइल देखना है सुबह, 2 घंटा शाम, और बाकी समय में पढ़ाई करना है। पढ़ाई कीजिएगा तो आगे चल करके आप लोग नौकरी मिलेगा, ठीक है। हाँ, सांप काटने से पंचायत हॉस्पिटल जाना है, जहाँ इंजेक्शन है माइथन हॉस्पिटल जाना है, दोनों जगह नहीं जा पाए तो PMCH धनबाद जाना है, LM हॉस्पिटल जाना है, जहाँ आदमी बच जाएगा। ओझागुनी के चक्कर में अक्सर लोग मर जाते हैं, ओझागुनी के चक्कर में अक्सर लोग मर जाते हैं। स्नैक्स एवर बंटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो। जय हिंद, थोड़ा दादा बोल दीजिए जय भारत, जय भारत। दादा का भाई थोड़ा वीडियो बढ़िया से लीजिए, बेचारा हम लोग इनाम दिए थे। जय हिंद।